सुंदरनगर के चांगर वार्ड में बिजली बोर्ड की भारी लापरवाही से एक सीनियर सिटीजन तार की चपेट में आने से बाल बाल बचा। हुआ यूं कि कल सुबह जैसे ही बिजली के खंभे में जोरदार धमाका हुआ, वैसे ही क्षेत्र की लाइट चली गई और सीनियर सिटीजन नरेंद्र खरवंदा अपने घर के आंगन में बैठे थे, वैसे ही बिजली की तार टूटकर उनसे चार टकराई। लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय तार में करंट नहीं था, अन्यथा कोई भी अनहोनी घटना घटित हो सकती थी। सुंदरनगर के चांगर बार्ड में बिजली बोर्ड की भारी लापरवाही से एक सीनियर सिटीजन तार की चपेट में आने से बाल बाल बचा। हुआ यूं कि सुबह जैसे ही बिजली के खंभे में जोरदार धमाका हुआ, वैसे ही क्षेत्र की लाइट चली गई और सीनियर सिटीजन नरेंद्र खरबंदा अपने घर के आंगन में बैठे थे, वैसे ही बिजली की तार टूटकर उनसे जा टकराई। लेकिन गनीमत यह रही कि उसमें तार में करंट नहीं था, अन्यथा कोई भी अनहोनी घटना घटित हो सकती थी। नरेंद्र खरबंदा का कहना है कि इस क्षेत्र में अधिकतर बिजली बोर्ड की तार की लाइनें बिना स्टे वायर के बिछा दी हैं। अगर स्टे वायर होती तो बिजली बोर्ड की यहां खंभे में सप्लाई की गई तारें उनसे ना टकराती। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने कई बार बोर्ड के अधिकारियों को भी लिखित रूप में शिकायत दी है और कहा है कि क्षेत्र में जो खंभे से तारें घरों को बिजली बोर्ड की ओर से डाली गई है, उनमें स्टे वायर नहीं डाली गई है। उन्होंने कहा कि खंभे से घरों के लिए इतनी लंबी लंबी तारें बिना स्टे वायर के डाल दी है, जो कि आए दिन बिजली के गुल होने का कारण बन रहे हैं और बिजली की तारें जल रही हैं, जिसका नुकसान जहां बिजली बोर्ड को हो रहा है, दूसरी ओर भी जनता को अंधेरे में रहकर इसका भुगतान करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में बिजली बोर्ड के सीनियर अधिशासी अभियंता विकास शर्मा का कहना है कि जल्द ही खंभे से सप्लाई की जा रही है, तारों का स्टे वायर सहित लगाया जाएगा ताकि कोई नुकसान ना हो। आज दिन तकरीबन 8 बजे के करीब मैं कुर्सी पर बैठा धूप सेक रहा था कि एकदम सेंटर में तार जड़ी और कट के मेरे ऊपर आके साइड में बजी। मैं घबरा गया एकदम, पर ये है बाई चांस जो टूट के तार गिरी उसमें करंट नहीं था और दूसरी साइड को करंट वाली थी, तो मैंने उसी वक्त टेलीफोन किया इनको और ये बंदे आ गए। इन्होंने काम तो कर लगे हुए हैं काम करने, परंतु ये सिस्टम जो है तार लगाने का ये ठीक नहीं है, लंबा स्पैन है तो इसका जो साइड में है पोल लगा के यहाँ से दूसरे घर को दिया हुआ है। कई बार मैं इसके बारे में रिक्वेस्ट भी कर चुका, कंप्लेंट्स भी कर चुका, पर अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इसको बाहर से तार जो है पोल हमने अपनी तरफ से लगा दिया हुआ है, उसे देख के दूसरे घर को उधर से दे तार, बीच सेंटर में जो तार निकलना, किसी वक्त भी कोई दुर्घटना हो सकती है। जो तार लगाई थी ये बहुत पुरानी थी, आप पता नहीं वो नई कैसे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, मेरे को नहीं पता। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला, एक छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।